एग्जाम्पल नंबर 18। सॉल्व द फॉलोइंग हीट इक्वेशन, हीट डिफ्यूजन इक्वेशन बाय जैकोबाई एडिटिव मेथड। ये हमारे पास एक वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और टी। और एक्स की जो हमारे पास रेंज है वो है 0 से 1 तक, और टी जो है कोई भी ग्रेटर देन 0। इसमें हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो है, यहाँ पर एक्स अगर 0 हो और यहाँ 1 हो तो दोनों पे हमारे पास वैल्यूज जो है वो 0 आती हैं। ये क्या है, हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं। और जिसमें हमारे पास टी 0 होता है वो कौन सी होती है, इनिशियल कंडीशन होती है। तो ये इनिशियल कंडीशन है, दो बाउंड्री कंडीशन है और एक इनिशियल कंडीशन है। और एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास वेरी कर रही है 0 से 1 तक, और जबकि एक्स जो है स्टेप साइज जो है वो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में वो एच है, एच वो हमारे पास है उसकी वैल्यू 0.2। और जबकि टाइम लेवल जो है इसको के को हम कहते हैं टाइम लेवल, वो 0.02 है। अब हमने इस इक्वेशन को, हीट इक्वेशन को सॉल्व करना है जैकोबाई एडिटिव मेथड की मदद से। इसमें सबसे पहले आप लैम्डा जो है वो कैलकुलेट कर ले। लैम्डा जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू के ओवर एच स्क्वायर, ये आपने पढ़ा हुआ है। और इसमें अल्फा जो है वो 1 होगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास अल्फा जो है वो अगर आता है तो हम उसको सपोज कर लेते हैं कि अल्फा 1 है। तो अल्फा 1 है, के की वैल्यू हमारे पास है 0.02 डिवाइडेड बाय 0.2, ये इसका स्केल। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाता है 1/2। इसमें दो वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक करते हैं 1 प्लस लेमडा जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2, और दूसरी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, लैम्डा की वैल्यू 1/2 है और 1/2 की वैल्यू 2/3, तो ये 1/3 आ जाएगा। अब हमारे पास एच कितना है, 0.2 है, सिंस एच इज इक्वल टू 0.2 है तो ये हमारे पास वैल्यूज उसी एच स्टेप साइज H2 है तो उसके साथ आ जाएगा, एक्स नॉट है तो उसके स्पेस के साथ H स्टेप साइज जो है तो 0.2 आ जाएगा, पॉइंट फिर 4 आ जाएगा, फिर 0.6, ये 8 और 1। और इसको हम लेबल कर देते हैं, ये एक्स नॉट है पॉइंट, ये X2, X3, X4 और X5। और बाउंड्री पॉइंट जो है हमारे पास वो कौन से हैं, 0 और 1 है। इस पे हम अब कैलकुलेट कर लेते हैं इनिशियल कंडीशन की मदद से। ये हमारे पास क्या थी, इनिशियल कंडीशन थी जिसमें टी इज इक्वल टू 0 था, जिसमें टी 0 था तो इनिशियल कंडीशन आ गई। अब इनिशियल कंडीशन पे हम डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट एक्स पे वैल्यूज निकाल लेते हैं, यानी कि आप कह लें एक्स आई, यहाँ भी एक्स आई रख लें। तो पहला पॉइंट एक्स नॉट है, ये एक्स नॉट आ गया, और यहाँ एक्स नॉट क्या था हमारे पास, पॉइंट 0 है तो यहाँ 0 पुट कर देंगे और साइन पाई 0 इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये 0 आ जाएगी। इसी तरह से एक्स वन पे करेंगे, एक्स वन पॉइंट क्या था, एक्स वन है 0.2, यहाँ 0.2 पुट कर दें और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ये वैल्यू आपने रेडियन के अंदर कैलकुलेट करनी। इसी तरह से x2 क्या है, x2 0.4 है, इस पे कैलकुलेट कर ले वैल्यू। नेक्स्ट पे x3 4 5, इन तमाम पे वैल्यूज कैलकुलेट कर ले। 3 पे 0.6 आ जाएगा, 4 पॉइंट पे x4 पे 0.8 आ जाएगा और 5 पे 1 आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज को
आप कैलकुलेटर की मदद से रेडियन में कन्वर्ट करके फिर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। इन पॉइंट पे टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, x1, 2, 3, 4, 5 तक। अब हमने जैकोबाई मेथड में हमने एक ड्राइव की थी एक स्कीम, वो आपको मैं दिखा भी देता हूं लास्ट लेक्चर में। वो हमारे पास थी ये वाली स्कीम, ये जैकोबाई स्कीम। इसमें जो मेन हमारे पास इक्वेशन थी ये बी थी, और दूसरा सी आई जो था उसकी वैल्यू ये नीचे थी, ये हमने यहां लिख ली है, ये जैकोबाई स्कीम आ गई। आइट्रेटिव मेथड, मेथड या स्कीम। इसमें सी आई आपने याद रखना, इसकी वैल्यू है ये, सी आई इज इक्वल टू दिस। अब हमने ये हीट इक्वेशन की हमने ऑलरेडी डिराइव की हुई है जैकोबाई स्कीम। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आई हमारे पास कितने आएंगे, यानी कि अगर एच हमारे पास 0.2 है तो ये हमारे पास फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एच। अब बी इज इक्वल टू 1 है और ए इज इक्वल टू 0 है, और एच की वैल्यू हमारे पास है ये, तो इसमें कैलकुलेट करेंगे तो एन हमारे पास 5 आ जाएगा। अब आई की वैल्यू 1 उससे लेस होती है, यानी कि 1 से लेके 4 तक आ जाएगा, क्योंकि हमने इंटरनल पॉइंट के अंदर कैलकुलेट करनी है, बाउंड्री वैल्यूज पे तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब जे हम पुट कर देते हैं 0 और आई इज इक्वल टू 1। अब डिफरेंट आई पुट करेंगे, जे फॉर फिक्स जे इज इक्वल टू 0 के लिए इन लास्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे इधर आई डिफरेंट आई 1, 2, 3, 4 तक। और जे हमारे पास यहाँ यहाँ पर लेवल हमारे पास जे प्लस 1 है, और जबकि यहाँ हमारे पास लेवल जे है। अब जे 0 के लिए आप इसमें पुट कर दें तो आप, और लैम्डा की वैल्यू ये हमारे पास थी, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू पुट कर दे, और यहाँ पर 1 ओवर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दे, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 × 3। और जबकि यहाँ हमारे पास आ जाएगा, अगर आई हम पुट करते हैं 1, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ 2, यहाँ आई 0 1 पुट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। नेक्स्ट में इसी तरह से आई की वैल्यूज पुट करते जाए तो हमारे पास यह आ जाएगा आई U0, 0, U1, 0, U2, 0, और जे 0 पुट कर दें, यहाँ जे 0 पुट कर देंगे और यहाँ आई 1 पुट कर देंगे, और यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने कैलकुलेट की है। ये तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास सिर्फ ये चीज बच जाएगी, और जबकि बाकी जो चीज है हमारे पास सारी न्यूमेरिक वैल्यू है ये वाली, इसको आप कैलकुलेट कर लें, ये आपके पास आ जाएगी 0.3544। अब इसी तरह से आई इज इक्वल टू 2 के लिए आप कैलकुलेट कर लें, 1 ये आ जाएगा हमारे पास, ये दूसरी एक वैल्यू आ जाएगी, ये 1 है ये 2 है, इसमें हमारे पास 0, 2 और इसमें 1, 3, और इसी तरह से यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे इस टाइप की जो आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 0.5736। नेक्स्ट में इसी तरह से कैलकुलेट कर ले i3 और 4 के लिए, ये आपके पास इसी तरह से वैल्यूज आ जाएंगी, और जबकि हमारे पास टाइम लेवल 1 के ऊपर जो है वो वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, क्योंकि हमें अभी इनकी वैल्यू का नहीं पता। जब भी इनको वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे एन इज इक्वल टू 0 के लिए, फिर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। अब क्या है, अब आइट्रेशन अप्लाई कर देनी है हमने। आइट्रेशन जो
जो हमने यहां पर लगाई है n की, ये हमारे पास ये नंबर ऑफ आइट्रेशन को शो करता है। यहां पर अब हम पुट कर देंगे n इज इक्वल टू जीरो, यहां पर वन लेवल आ जाएगा और यहां पर जीरो जीरो आ जाएगा। ये हमने क्या किया, ये हमारे पास जो तीन इक्वेशन अबव, चार थी इक्वेशन आई, जिसमें आई इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर के लिए हमने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ आई हमने जीरो पुट कर दिया, सॉरी एन जीरो पुट कर दिया राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पर हमारे पास वन पे आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन आ जाएगी। आप कह दें कि ये फर्स्ट आइट्रेशन है, क्योंकि राइट लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये फर्स्ट है, फर्स्ट आइटेशन। अब ये वाली वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है, ये वाली वैल्यूज हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, ये हम इनिशियल कंडीशन से करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या थी हमारे पास, इनिशियल कंडीशन थी एक्स जीरो इज इक्वल टू साइन फाई एक्स। अब यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यूज फॉर एन इज इक्वल टू जीरो के लिए, ये हमारे पास आ जाएंगी, ये यहां पहले कैलकुलेट की हुई है ये वाली वैल्यूज, ये ऑलरेडी हमारे पास है कैलकुलेटेड है, लेकिन ये हमारे पास किस पे है, एन इज इक्वल टू जीरो पे भी यही है। ये क्या थी हमारे पास, यहां लिख देते हैं, ये हमारे पास यू जीरो जीरो वाली आ गई, U जीरो वन पे आ गई, U जीरो टू पे आ गई, U जीरो थ्री पे आ गई, और ये U जीरो फोर पे आ गई, और ये U जीरो फाइव पे आ गई। तो यही वाली वैल्यूज हमने यहां पे लिख दी, ठीक है, यही थी ना, यू जीरो थी और फिर वन था, फिर टू थ्री फोर और फाइव, ये हमने कहां से लिए, इनिशियल कंडीशन से लिए। अब इनिशियल कंडीशन वाली वैल्यूज ये जो हमारे पास एन इज इक्वल टू जीरो पे आई है, आप यहां पुट कर दें, ये हमारे पास जीरो है, टू है, कहीं पे वन है, थ्री है, टू है, फोर है, थ्री है, फाइव है, ये आप जब यहां पुट कर देंगे, ये सारी न्यूमेरिकली जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे u1, u2, u3, u4 की, तो ये हमारे पास आ जाएंगी, ये वैल्यूज आ जाएंगी, सेट ऑफ वैल्यूज, ये फॉर n इज इक्वल टू वन के लिए आ जाएंगी। इसी तरह से जब हम कैलकुलेट करेंगे n इज इक्वल टू टू के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये n इज इक्वल टू जीरो के लिए था, ये n इज इक्वल टू वन के लिए, क्योंकि हमने यहां पर इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या पुट किया था, n जीरो पुट किया था, n जीरो पुट किया था, ठीक है, तो फर्स्ट आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट आइट्रेशन यह आ जाएगी, ये फर्स्ट आइट्रेशन होगी, और जबकि ये सेकंड आइट्रेशन होगी, जब n इज इक्वल टू वन पुट कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे टू आ जाएगा, ठीक है, सेकंड आइट्रेशन। इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, n इज इक्वल टू फिर टू के लिए कैलकुलेट कर लें इसको, तो आइट्रेशन थ्री, थर्ड आइट्रेशन आ जाएगी आपके पास। सिमिलरली इसको चलते जाएं, करते जाएं, एन इज इक्वल टू एट पुट कर दें, तो हमारे पास ये सेवन पुट करेंगे तो एट आएगी, यहाँ पर एट आ जाएगा, तो ये एट आइट्रेशन आ जाएगी। अब आपने ये वैल्यूज जो है ये कैलकुलेट करनी है और इसको वेरीफाई करना है कि हमारे पास वैल्यूज जो आती हैं वो यही आ रही हैं, और वेरीफाई करना आपने इसको। Gauss Seidel iterative method for heat diffusion equation. लास्ट टाइम हमने जो स्कीम निकाली थी जैकोबाइक के लिए निकाली थी हीट इक्वेशन की, और हमने न्यूमेरिकली सॉल्व किया था उसको,
इस स्लाइड में, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम निकालते हैं गॉस सीडल स्कीम हीट इक्वेशन के लिए। तो इन जनरल आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ इक्वेशंस था, अगर तीन हम सेट ऑफ इक्वेशंस लें तो हमारे पास क्या बनती है, ये तीन इक्वेशंस बनती है यहाँ पर x1, x2, x3 और फिर इस पे अगर हम नंबर ऑफ आइट्रेशन लगा दें, यानी कि यहाँ हमारे पास गॉस सीडल में हम क्या करते थे कि जो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, जैसे x1 की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर हम उसको n+1 इंट्रोड्यूस करवा देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे, और जबकि जो नहीं यूज हुई अभी तक वो n ही रहेगी। ये तीन इक्वेशन के लिए हमने बनाए हैं, इसको आप जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट के अंदर देखें, अगर हमने x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो इसका मतलब है जो x3 की जब कैलकुलेट करेंगे तो हम इसमें x1 और 2 की, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है, तो यहाँ n+1 आएगा, n+1 यहाँ भी n+1, दोनों में n+1 आएगा। तो ये एक तीन इक्वेशंस की जो है ये हमने गॉस सीडल एडिटिव स्कीम बना दिए। इसी तरह से हीट इक्वेशन के लिए, ये तो तीन के लिए था, इक्वेशंस के लिए था जस्ट आपको समझाने के लिए, लेकिन हीट इक्वेशन जो हमने पड़ी हुई है उसकी हमने गॉस सीडल स्कीम बना ली है। पहले हमने जैकोबाई की बनाई थी, अब हमने गॉस सीडल की बना ली है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट इतना सा डिफरेंस होगा हमारे पास कि हम इसमें n+1 पुट कर देंगे, सिर्फ i+1 की जगह, क्योंकि हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है बिल्कुल सिमिलर फर्स्ट की कैलकुलेट करके सेकंड में पुट करनी होती है, इसी तरह से यहां पर केस आएगा। अब ये हमारे पास गॉस सीडल जो अट्रैक्टिव स्कीम है और जैकोबाई जो थी, जो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जस्ट n+1 का डिफरेंस है। ये मैं आपको दिखा भी सकता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब निकाली थी जैकोबाई मेथड की, वो मैं आपको दिखाता हूं और फिर इससे कंपेयर करते हैं। ये जैकोबाई की निकाली थी हमने, ये थी इक्वेशन बी, इसमें आप देख सकते हैं यहां पर n है, और जबकि सी आई हमारे पास बिल्कुल ये वही है, जस्ट इसमें गॉस सीडल वाले में n+1 आएगा जबकि जैकोबाई के अंदर n आएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, ये नोट कीजिएगा। तो चलते हैं हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ। तो ये हमने एक स्कीम बना दी, अब इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 19, ये एग्जाम्पल नंबर 19 जो है वो एक्चुअली हमारे पास से कंटिन्यूशन है एग्जाम्पल नंबर 18 की। ये एग्जाम्पल नंबर 18 की स्टेटमेंट ही आपने लेनी है, इसी को कंसीडर करना है, ठीक है। यहां पर आ जाएगा सॉल्व द फॉलोइंग हीट इक्वेशन बाय गॉस सीडल मेथड, बाकी सब बाउंड्री कंडीशन वही है, इक्वेशन वही है, और एच स्टेप साइज वही है, के वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। जस्ट आपको समझाने के लिए कि अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं गॉस सीडल की मदद से। इसमें हम j=1 के लिए, ये आपको याद होगा, ये हमने इक्वेशंस निकाली थी जिसमें एग्जांपल नंबर 18 में, जिसमें i=1, 2, 3, 4 के लिए हमने सेट ऑफ इक्वेशंस निकाली थी। और यहाँ पर हमारे पास जस्ट, क्योंकि हमारे गॉस सीडल इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास n+1 आ जाएगा बजाय n के, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस सीडल। यह मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये वाली जो हमने इक्वेशंस निकाली थी जैकोबाई में वो ये थी, ठीक है। या आप इसका और थोड़ा पीछे चले जाएं तो ये थी, यहां n था, लेकिन गॉस सीडल में क्या होगा, n+1 होगा, ये n+1, ये वही इक्वेशंस है। अब n=0 पुट कर देंगे हम यहां पर, तो ये हमारे पास आ जाएंगी यहां पर लेवल लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 1-1 आ जाएगा, आइट्रेशन यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन शुरू हो गई है यहां पर।
फर्स्ट हम वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, और ये वाली वैल्यूज जो हैं ये भी हमने पहले कैलकुलेट की हुई है विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन क्या थी? बाउंड्री कंडीशन थी हमारे पास u ऑफ x 0 साइन पाई x। इसकी मदद से आप इसको 0, ये वैल्यूज आप कैलकुलेट पिछली स्लाइड में एग्जांपल नंबर 18 में की हुई है, ये कैलकुलेट ये आप वहां से देख सकते हैं, 1 या देख लीजिएगा, और इसी तरह से ये 2, ये वैल्यूज। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये तो हमने ये पुट कर दिया है, और इसकी वैल्यू 0 थी, इसकी 0 पुट कर दी है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है u11 की। अब गॉस सीडल के अंदर क्या होता है कि हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, ये आ गए u11, तो u11 हमारे पास यहाँ है, तो हम इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, और u3 1 की ये आपने वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, ये भी इस पे यहाँ हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यूज। ये आप पिछली एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 18 से देख लेना, इसकी ये वैल्यूज है, और हम इसी तरह से इस वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे u21 की। इसी तरह से जब हम u31 की कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, तो इसके अंदर हमारे पास ये दो वैल्यूज आएगी, u2 और 4 की। तो u2 की हमारे पास वैल्यू ये है, ये यहाँ पुट कर देंगे, u4 की आप वैल्यू वहां से देख लीजिएगा, वो वैल्यू ये है एग्जांपल नंबर 18 से, और ये एक वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जो हम वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं वो नेक्स्ट में पुट कर रहे हैं। अब ये वाली वैल्यूज आ गई, अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर u3 है, u31 है, और ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी फर्स्ट आइट्रेशन आ गई है, और जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास सेकेंड आइट्रेशन आ जाएगी। सेकेंड आइट्रेशन ये सेकेंड, इसी तरह से आप ये जब वैल्यूज को आप इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास पिछली गिवन होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन आ जाएगी, और इस पे आप वैल्यूज ये फाइंड कर सकते हैं, और ये वेरीफाई करना है आप लोगों ने। इसी तरह जब n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो थर्ड आइट्रेशन आ जाएगी, और जब n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो कौन सी आइट्रेशन आ जाएगी, फोर आइट्रेशन आ जाएगी। ये आप लोगों ने इसको वैल्यूज को वेरीफाई करना है, कैलकुलेट करना है, अगर कोई चीज़ मिस्टेक है तो आपने उसको ठीक कर देना है। ये फोर्थ आइट्रेशन।